बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली परिकल्पना या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसके अंतर्गत हम डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना करेंगे। 1924 में डी ब्रोगली ने यह बताया कि जो सूक्ष्म कण होते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि, वे तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। अतः उसने कण की एक दत्त प्रकृति के बारे में बताया कि ये कण जो है तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। उन तरंगों को जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित होती है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो यदि हम विकिरणों की प्रकृति तरंग के समान माने, ठीक है, तो इन तरंगों से संबंधित तरंग दैर्ध्य आवृत्ति जैसे गुण होंगे, और ऐसी परिस्थिति में यदि हम इनके आवृत्ति को न्यू माने तो उनकी जो ऊर्जा होगी उसको हम E=hν लिख सकते हैं, E=hν लिख सकते हैं, और इसको हम समीकरण नंबर एक कहते हैं। ये जो समीकरण होती है, इस समीकरण को हम प्लांक समीकरण कहते हैं। कौन सी समीकरण कहते हैं? प्लांक समीकरण, ठीक है। अगर हम कण की गति को कणीय माने तो फिर हम उसकी ऊर्जा को E=mc² आइंस्टीन समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर कण की जो गति है, जो प्रकृति है, उसको हमने दोनों तरीके से तरंग और कण दोनों की गति दोनों के प्रकार मानते हुए हमने उसकी ऊर्जा की गणना की, E=hν और E=mc². जहाँ h को हम प्लैंक कांस्टेंट, न्यू को हम आवृत्ति कहते हैं, m द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किसी नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित कक्षा में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो वो इस तरीके से वेव बनाता है, तरंग बनाता है। तो ये जो तरंग है, ठीक है, इस तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा, उसको हम डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। और उस समीकरण की स्थापना हम प्लैंक समीकरण, आइंस्टीन समीकरण के द्वारा हम जो है निकाल सकते हैं। तो यदि हम समीकरण एक और समीकरण दो पर विचार करें या दोनों को संयुक्त रूप से लिखें, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ दिखेगा E=hν और E=mc² को संयुक्त रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं mc² = hν, या फिर हम लिख सकते हैं इसको mc·c = hν, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं mc·hν/c। बात समझ में आ रही है सबके, ठीक है ना। अब न्यू अपॉन सी क्या है? आवृत्ति अपॉन वेग, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं यहाँ 1/λ के बराबर होता है, और लैम्डा को बोलते हैं हम तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जो तरंग बन रही है उसके हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं mc = h/λ, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं उसको λ = h/mc को हम नीचे ले आए, लैम्डा को इस तरफ ले जाएँ, ठीक है। यदि कण का वेग हम v माने तो c को v से रिप्लेस कर सकते हैं, और हम समीकरण लिख सकते हैं λ = h/mv, ठीक है, h/mv। तो λ = h/mv को ही हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम इसको डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। λ = h/mv, और mv जो होता है वो कण का संवेग होता है, ठीक है। तो हम mv को p से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर हम एक इस समीकरण को एक दूसरा रूप दे सकते हैं, λ = h/p, ठीक है। अब यहाँ पर h को यदि हम कांस्टेंट माने तो λ = λ/1/p लिख सकते हैं, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वह संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डी ब्रोगली का जो सिद्धांत था या डी ब्रोगली की जो परिकल्पना थी, उससे जो निष्कर्ष निकल के आता है कि जो गतिशील कण है उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो h/mv के बराबर होती है, और इसको हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, या फिर उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस आधार पर हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके प्रश्न हुआ कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है, डी ब्रोगली सिद्धांत क्या होता है, या डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना कीजिए, ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। और साथ साथ इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं। उसका एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक किलो का द्रव्यमान है जो 2000 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील है,
तो बताइए कि इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो एक किलोग्राम द्रव्यमान है जो कि 2000 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है, ठीक है। बताइए कि इस द्रव्यमान से संबंधित तरंग दैर्ध्य क्या होगा, यानी कि लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो है हमें यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि जो एच का मान अगर आपको सी जी एस पद्धति में दिया हुआ है तो एम और वी भी आप सी जी एस पद्धति में रखेंगे, और यदि एस आई पद्धति में दिया हुआ है तो आप सभी को हम एस आई पद्धति में रखेंगे। चलिएगा हम इस न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। तो एच इक्वल टू जैसे आपको दिया हुआ है 6.62 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। अब ये जो वैल्यू होती है वो एस आई पद्धति में होती है, ठीक है ना। तो आपको दूसरी वैल्यू भी एस आई पद्धति में रखनी है, तो दी भी आपको एस आई पद्धति में 1 kg और 2000 मीटर पर सेकेंड। तो एज इट इज़ आपको पुट कर देनी है वैल्यूज़। हाँ, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर देंगे 6.62 इंटू 10^-34 अपॉन एम की वैल्यू पुट कर देंगे, एम की वैल्यू 1 kg, ठीक है, यहाँ पर जैसे जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, और यहाँ देखिए 1 kg इंटू वी की वैल्यू आपको रखा है 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो जूल होता है, ठीक है, वो बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस टू जूल की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से यूनिट कट कर और इसका आंसर मीटर में आता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.62 इंटू 10^-34। अब जूल की वैल्यू, जूल बराबर क्या होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस टू इंटू सेकेंड अपॉन, ठीक है, यहाँ पर 1 kg इंटू 2000 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है यहाँ कि ये केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ देखिएगा आप सेकेंड इनवर्स, ये दोनों इससे कैंसिल, सेकेंड इनवर्स बचेगा यहाँ, तो सेकेंड इनवर्स कट जाएगा और एक मीटर से मीटर, तो ऊपर सिर्फ मीटर बचा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.313 इंटू 10^-37। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और क्या बचा, मीटर में। तो इस तरीके से जो लैम्डा आया उसका मान मीटर में आ गया, ठीक है ना, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया जिस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही यदि हम सी जी एस पद्धति में वैल्यू उसको पुट कर देंगे तो हम एच की वैल्यू रखेंगे 6.62 इंटू 10^-27 आर्ग इंटू सेकेंड, और जो द्रव्यमान उसको ग्राम में रखेंगे, और जो वेलोसिटी है उसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो जो हमारी वेवलेंथ जो आएगी लैम्डा का मान वो होगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा क्वेश्चन होता है कि डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली सिद्धांत क्या होता है, और उसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देकर आपको लैम्डा पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके एक बार प्रश्न पूछा गया था कि द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये दो तीन अंतर जो हम द्रव्य तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में लिख सकते हैं कि जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनका वेग तो बहुत कम होता है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनका वेग बहुत उच्च होता है, तथा जो द्रव्य तरंगें होती हैं वो शून्य में विकृत नहीं हो सकती, शून्य में रेडिएट नहीं हो सकती, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वे शून्य में भी विकृत हो सकती हैं। तीसरा हम दे सकते हैं कि जो द्रव्य तरंगें होती हैं ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती वरन उसके साथ संबंधित होती हैं, जबकि विद्युत चुंबक की जो तरंगें होती हैं वो किसी कण से उत्सर्जित तो हो सकती हैं लेकिन उसके साथ संबंधित नहीं हो सकती। और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि
जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनका लैम्डा का मान अत्यंत कम होता है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो लैम्डा का मान काफ़ी उच्च होता है। इस तरीके से ये जो है प्रश्न हमारा पूरा होता है, और शायद आप सबके ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।